खरगोन जिले के सेगांव पुलिस चौकी के अंतर्गत एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में लाश खेत में मिली है। इस घटना के बाद पुलिस मामले को आत्महत्या बता रही है, तो वहीं परिजन इस पूरी घटना को सोची समझी रणनीति के तहत मर्डर बता रही है। मृतक की पत्नी ने बताया कि खेत के रास्ते को लेकर गांव का ही एक आदमी आए दिन हमसे विवाद करता था। कुछ दिन पूर्व मेरे से मारपीट भी की थी। इसकी शिकायत हमने तहसील कार्यालय से गांव में की। इसको लेकर पटवारी द्वारा जांच भी की जा रही है। वहीं पुलिस चौकी प्रभारी अनिल जाधव ने बताया कि जिन परिस्थितियों में शव बरामद हुआ है वह प्रथम दृष्टया हत्या नहीं आत्महत्या लग रही है। मंगलवार को घटना की सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी अनिल जाधव अपनी टीम के साथ घटना स्थल भिखारखेड़ी में मृतक के खेत के पास पहुंचे। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी पहुंची। पुलिस ने बताया कि शव जंगल में एक पेड़ के पास था, तो वहीं पेड़ पर फांसी का फंदा डली रस्सी भी लटक रही थी। पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम कर विवेचना में लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। चार पाँच रुत हुआ पत्ती के मामला है। तो लड़ाई नहीं करता हम, सेटा पड़ोस रहने वाला पर हम ऐसा तो यार तू तो ज्यादा तो दारी करया ने मेरा पति का मारया नहीं क्यों मारया ये क्यों ऐसा कर। आज जो है सुबह सुबह लगभग 7:30-8 बजे खबर मिली थी कि भिखारखेड़ी में एक मृत लाश पड़ी है। मौके पर पहुँचे, वहाँ जाकर जो है मृतक के लड़के की सूचना पर से मर्ग इंटीमेशन कायम किया गया। गोपाल पिता भंगड़ा बिलाला निवासी ग्राम देवझेरी, उम्र करीबन 45 साल का, उसकी मृत्यु हो गई। वहाँ जाकर देखा तो जो है गले में फांसी का फंदा और पलाश के झाड़ के नीचे पड़ा हुआ था लाश, और डगाल पे जो है आधी रस्सी बंधी हुई थी। सर क्या माने इसे, हत्या या आत्महत्या? अभी तो जांच में जुटी है पुलिस, अभी तक जो तथ्य है सामने उससे ही लग रहा है कि फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। परिजनों ने क्या बताया सर? परिजन बता रहे हैं कि उनका पड़ोस में एक खेत है और वहीं पर खेत हलने की बात को लेकर विवाद हुआ था। वो संदेह जता रहे कि हो सकता उन्होंने ऐसी कुछ घटना की हो, लेकिन इसे कोई अभी तक साक्ष्य मिले नहीं। अभी तक क्या कार्रवाई सर? पीएम करवा रहे हैं उसका, और पीएम के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर फिर जो है मर्ग जांच से आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम लिखते सर? उपनिरीक्षक अनिल जाधव, पुलिस चौकी सेगांव, चौकी प्रभारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।